हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडी उड़ान। और हम लोग फिर से लेके आए हैं यूपीपीएससी आरओ और एआरओ के लिए साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज ह्यूमन ब्लड। और ये पार्ट थ्री है। हम लोग पहले पार्ट वन और पार्ट टू पढ़ चुके हैं साइंस में, अभी हम लोग पढ़ेंगे पार्ट थ्री। और ह्यूमन ब्लड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आपको यूपीपीएससी आरओ एआरओ में जरूर देखने को मिलेंगे, तो इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से पढ़िए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक टॉपिक हम लोग एमसीक्यूज पढ़ेंगे, जिससे हमारा पूरा टॉपिक ह्यूमन ब्लड क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, ह्यूमन ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू, एंड द आंसर इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो हमारा जो ह्यूमन ब्लड है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्वेश्चन नंबर टू, द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वेट, एंड द करेक्ट आंसर इज 7% ऑफ द टोटल वेट। सो द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज 7% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड इज देयर ऑन एन एवरेज इन ह्यूमन बॉडी, एंड द करेक्ट आंसर इज 5 to 6 liter। सो इन ह्यूमन बॉडी देयर इज 5 to 6 liters ऑफ ब्लड। क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ ब्लड इज ह्यूमन ब्लड इज डिवाइडेड इन टू हाउ मैनी पार्ट, एंड द आंसर इज 2 parts। द ह्यूमन ब्लड इज डिवाइडेड इंटू 2 parts, एंड द 2 parts आर प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसल्स। द 2 parts आर प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसल्स। क्वेश्चन नंबर 5, द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज, एंड द करेक्ट आंसर इज प्लाज्मा। सो प्लाज्मा इज कॉल्ड एज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, एंड इन ह्यूमन ब्लड द 60% ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा। 60% ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा एंड 40% इज ब्लड कॉर्पसल्स। 60% इज प्लाज्मा एंड 40% इज ब्लड कॉर्पसल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच पार्ट ऑफ द ब्लड ट्रांसपोर्ट्स डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, एंड द आंसर इज प्लाज्मा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, एंड प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन फाइब्रिनोजेन एंड प्रोटीन आर एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ प्लाज्मा, देन व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट कॉल्ड एज, एंड द आंसर इज सेरम। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन फाइब्रिनोजेन एंड प्रोटीन आर एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ प्लाज्मा द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड एज सेरम। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लड कॉर्पसल्स आर डिवाइडेड इंटू हाउ मैनी पार्ट्स, एंड द करेक्ट आंसर इज 3। सो ब्लड कॉर्पसल्स आर डिवाइडेड इंटू 3 parts, एंड दोज 3 parts आर RBCs, WBCs एंड ब्लड प्लेटलेट्स। दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट ब्लड कॉर्पसल्स आर डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी पार्ट्स, एंड द आंसर इज 3, एंड दोज पार्ट्स आर RBCs, WBCs एंड ब्लड प्लेटलेट्स। RBCs स्टैंड फॉर रेड ब्लड कॉर्पसल्स, WBCs स्टैंड फॉर व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, एंड ब्लड प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ RBCs इज एरेथ्रोसाइट्स, द साइंटिफिक नेम ऑफ WBC इज लीकोसाइट्स, एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स इज थ्रोम्बोसाइट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस इन इट, एंड द करेक्ट आंसर इज RBCs, दैट इज रेड ब्लड कॉर्पसल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। दीज 2 parts of blood corpuscles do not have nucleus. RBCs and blood platelets do not have nucleus. Only WBCs have nucleus in it. Question number 10. Where RBCs are formed in the body? And the correct answer is bone marrow. So in bone marrow, RBCs are formed. Now question number 11. What is the life span of RBCs? That is red blood corpuscles. And scientific name is erythrocytes, and the answer is 20 to 120 days. So the life span is 20 to 120 days. Question number 12, the number of platelets are reduced or increased in the dengue fever, and the answer is reduced. So when dengue fever is there, the number of blood platelets, also known as thrombocytes, they get reduced in number. Question number 13, what is the name of the iron compound present in hemoglobin, and the correct answer is hematin.
द आयरन कंपाउंड प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन इज हीमैटिन। क्वेश्चन नंबर 14, अनीमिया डिजीज इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, एंड द करेक्ट आंसर इज हीमोग्लोबिन। सो अनीमिया इज अ डिजीज विच इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी और लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ WBCs और व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और लीकोसाइट्स। द साइंटिफिक नेम ऑफ WBCs इज लीकोसाइट्स एंड द करेक्ट आंसर इज 2 to 4 days। सो लाइफ स्पैन ऑफ WBCs इज 2 to 4 days। क्वेश्चन नंबर 16, ब्लड प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। सो द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स इज थ्रोम्बोसाइट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच पार्ट ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, एंड द आंसर इज WBCs और व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और लीकोसाइट्स। सो ओनली WBCs हैव न्यूक्लियस एंड RBCs एंड ब्लड प्लेटलेट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस। RBCs एंड ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस, ओनली WBCs एंड हैव न्यूक्लियस इन इट, एंड WBCs आर ऑल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और लीकोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, एंड द आंसर इज 3 to 5 days। द लाइफ स्पैन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स इज 3 to 5 days। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच पार्ट ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, एंड द करेक्ट आंसर इज ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। सो ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मेकिंग अ क्लॉट ऑफ ब्लड। क्वेश्चन नंबर 20, द मेन फंक्शन ऑफ WBCs इज, एंड द करेक्ट आंसर इज टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। सो द मेन फंक्शन ऑफ WBCs और व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स इज इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। क्वेश्चन 20, विच ऑर्गन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज ग्रेव ऑफ RBCs, एंड द करेक्ट आंसर इज लीवर। लीवर इज द ऑर्गन ऑफ बॉडी विच इज कॉल्ड एज ग्रेव ऑफ RBCs। Here's an important note, destruction of RBCs takes place in liver and spleen. So as destruction of RBCs takes place in liver, so liver is called as the grave of RBCs. Now next question, question number 22, which blood corpuscle's shape is similar to amoeba? This is a very important question, and the answer is WBCs. So the shape of WBCs is similar to amoeba, and the another name of WBCs is leukocytes or white blood corpuscles. Question 23, which blood corpuscles are found only in blood of human and mammals, and the correct answer is blood platelets. This very important question, that which blood corpuscles are found in only blood of human and mammals, and the answer is blood platelets or thrombocytes. Question 24, what is the ratio of RBCs and WBCs, and the correct answer is 600:1. So the ratio of RBCs to WBCs is 600:1. Question 25, which vitamin helps in blood clotting, and the correct answer is vitamin K. This is an important question, it is frequently asked in the exams, that which vitamin helps in blood clotting, and the answer is vitamin K. Vitamin K helps in blood clotting. Question 26, the compulsory protein in making the clots of blood is, and the answer is fibrinogen. So fibrinogen is a compulsory protein which helps in making the clots of blood. Now question 27, who discovered blood group, and the answer is Landsteiner in 1900. So the blood group was discovered by Landsteiner. Question 28, what is the function of RBCs or red blood corpuscles, and the correct answer is to carry the oxygen from the lungs to all the cells of the body and bring back the carbon dioxide. So the function of RBCs is to carry the oxygen from the lungs to all the cells of the body and bring back the carbon dioxide. What is the scientific name of RBCs, WBCs and blood platelets? As I told you earlier, that RBCs are known as erythrocytes, WBCs are known as leukocytes, and blood platelets are known as thrombocytes. Now question 30, the blood in females is how much less than males, and the correct answer is 1/2 liter of blood. So the blood in females is 1/2 liter less than males.
नाउ क्वेश्चन नंबर 31, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द नंबर ऑफ आरबीसीज एंड द करेक्ट आंसर इज हीमोसाइटोमीटर. सो हीमोसाइटोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द नंबर ऑफ आरबीसीज. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द कलर ऑफ द ब्लड ऑफ कॉकरोच एंड द आंसर इज व्हाइट और यू कैन से कलरलेस. द कलर ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज रेड इन कलर बट द कलर ऑफ द कॉकरोच इज व्हाइट इन कलर और यू कैन से इट इज कलरलेस. 33 क्वेश्चन, द ग्लाइकोल प्रोटीन विच इज फाउंड इन द आरबीसीज इज कॉल्ड एज एंटीजन. सो ग्लाइकोल प्रोटीन इज विच इज फाउंड इन द आरबीसी इज कॉल्ड एज एंटीजन. 34 क्वेश्चन, वॉट आर द टू टाइप्स ऑफ एंटीजन विच आर फाउंड इन द ब्लड एंड द आंसर इज एंटीजन ए एंड एंटीजन बी. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एंटीजन्स विच आर फाउंड इन द ब्लड. 35 क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन एंड द आंसर इज 4 ग्रुप्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन दैट इज एंटीजन ए एंड एंटीजन बी देर आर 4 ग्रुप्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन and those four groups are, you can see here, antigen A has blood group A, antigen B have blood group B, and antigen A and antigen B both have blood group AB, and neither of the antigens have blood group O. So antigen A have blood group A, antigen B have blood group B, antigen A and antigen B both have blood group AB. And if there are no antigens present, then the blood group is O. Clear? Now coming to question number 36. The opposite type of protein which is found in the blood plasma is called as antibody. So antibody is a protein which is found in the blood plasma. And the protein which is found in the RBCs is antigen. Question 37. Which blood group is called as universal donor? And the correct answer is blood group O. Blood group O is called as universal donor. 38 question, which blood group is called as universal acceptor? And the answer is blood group AB is called as universal acceptor. 39 question, who discovered Rh factor in the blood? And the correct answer is Landsteiner and Wiener. There are two scientists, they discovered the Rh factor in the blood. Now question number 40. What is the study of blood called? And the correct answer is hematology. So the study of blood is called as hematology. 41 question. The discovery of blood circulation was done by William Harvey. The discovery of blood circulation was done by William Harvey. So I hope that the topic of blood with MCQs is very clear to you, and if you like my video, then please subscribe my channel Eduran and like, share as much as you can. Thank you.